तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट युवती संचालित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय धाराशिव उस्मानाबाद के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित इस विशिष्ट सेतु पाठ्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। इस सेतु पाठ्यक्रम का शीर्षक है हिंदी भाषा एवं साहित्य सामान्य परिचय। पाठ्यांश हमारा तीसरा चल रहा है हिंदी कविता साहित्य का इतिहास और उसमें से 11वीं का आधुनिक काल। देखिए, इससे पूर्व की तासिका में हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के अलग अलग कवियों पर चर्चा की थी, कविताओं पर चर्चा की थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं आधुनिक काल पर। सबसे पहले हमें आधुनिकता की अवधारणा समझनी पड़ेगी। क्या है ये आधुनिकता? जब तक ये आधुनिकता आप नहीं समझेंगे तब तक आपको आधुनिक साहित्य समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम थोड़े सरसरी तौर पर इस पर नज़र दौड़ाते हैं। हालांकि ये आगे भी आपको पढ़ना है और आधुनिक कविताओं की पुस्तक एक आप पढ़ रहे हैं जिसका नाम है काव्य कुसुम, और साथ ही साथ आधुनिक कविता में एक खंड काव्य जो पढ़ रहे हैं आप जिसका शीर्षक है राहुल, जो आपने पढ़ा हुआ है। आधुनिकता एक सापेक्षित अवधारणा है। प्राचीन मूल्यों की सापेक्षता में वर्तमान नवीन मूल्यों का निर्धारण ही आधुनिकता है। देखिए, प्राचीन काल से आदि काल से जो चलते आ रहे मूल्य हैं उसकी सापेक्षता में जो नए मूल्य आ रहे हैं, वर्तमान काल के मूल्य आ रहे हैं, उसका निर्धारित करना ही आधुनिकता है। जी एस फ्रेजर नाम के एक अंग्रेजी व्यक्ति के अनुसार ये कहा है कि आधुनिकता को अपनी सुरक्षा के लिए अतीत से संबंध रखना चाहिए। मतलब आधुनिकता कोई एकदम नई चीज नहीं है, उसे अपने अतीत से, अपने भूतकाल से संबंध रखना है। साथ ही साथ ज्येष्ठ समीक्षक डॉक्टर जगदीश गुप्त जी ने कहा है, आधुनिकता का मूल मानवतावादी दृष्टि है। मतलब अब तक देखिए कि प्राचीन काल में है धर्म, जाति, उपासना पद्धति, ईश्वर इत्यादि दृष्टियों से देखा जा रहा था, किंतु अब आधुनिकता में मानवतावाद दृष्टि महत्वपूर्ण है। हर मनुष्य, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी उपासना पद्धति का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, किसी भी प्रकार का मनुष्य, किसी भी वर्ष का हो, उसको मानवतावादी दृष्टि उसकी प्रमुख है। और यह दृष्टि सुविचारित आधुनिक दृष्टिकोण है। सुविचार मतलब अच्छी तरह से विचार किया गया आधुनिक दृष्टिकोण है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आधुनिक काल के केंद्र में मनुष्य है। आदि काल में राजे थे, ईश्वर था, भक्ति काव्य में भक्त थे, संत थे, ईश्वर थे, उसके उपरांत रीति काल में नारी थी, राजा थे, युद्ध थे। परंतु आधुनिक काल की यह विशेषता है कि आधुनिक काल के साहित्यिक चिंतन के केंद्र में मनुष्य है, उसका मानवतावादी दृष्टिकोण है। आगे हम देखेंगे आधुनिकता के लक्षण क्या है। देखिए, आधुनिकता एक सापेक्षिक अवधारणा है। आधुनिकता की व्याख्या अतीत की समकक्षता और सापेक्षता में संभव है। आप आधुनिक तभी मान जाएंगे, आपको यह फर्क करने आना चाहिए कि प्राचीन क्या है और आधुनिक क्या है। ये जब तक आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अनेक बार ये कहा गया है कि जिनका भूतकाल उज्जवल था वहीं का भविष्यकाल उज्जवल हो सकता है। इसलिए भूतकाल को सापेक्ष रखना पड़ेगा। फिर अगली चीज है, जो भी आधुनिक है वह भविष्य में पुरातन है। ध्यान रखें, देखिए, जो आज हमें आधुनिक लगता है कुछ वर्षों बाद वो पुराना बन जाएगा। जैसे कि जब हमने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद 75-76 वर्ष हो रहे हैं, तब नई चीज लगी, लेकिन आज वो पुरानी हो गई ना। मतलब आज की आधुनिकता है कल का पुराण बन जाता है। ये बात ध्यान में रखें, क्योंकि और दूसरी बात ये कही कि अनुभूति और संवेदना का नयापन आधुनिकता है। क्या है उसमें? उसमें महत्वपूर्ण चीज है अनुभूति। मतलब आपको किस प्रकार के अनुभव आ रहे हैं और आपकी संवेदना किस प्रकार है, और इसमें जो एक नयापन है वही आधुनिकता है। आधुनिकता अतीत से जुड़कर सुरक्षित रह सकती है। अतीत बार बार कह रहे हैं, अतीत का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल से जुड़े रहने पर ही आधुनिकता सुरक्षित रह सकती है। आधुनिकता का मूल
आधार मानवतावादी दृष्टि है। साहित्य धर्म दर्शन सभी क्षेत्र में, मतलब जो साहित्य हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो कविता हो चाहे गद्य साहित्य हो, हम धर्म की बात करें, धर्म भी, और दर्शन का मतलब होता है फिलॉसफी, जिसको हम मराठी में तत्व ज्ञान कहते हैं, उस तत्व ज्ञान के क्षेत्र में सभी को एक नया दृष्टिकोण आधुनिकता है। मतलब चिंतन का चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे साहित्य हो, चाहे धर्म हो, चाहे दर्शन हो, कोई भी विषय हो, चिंतन का विषय, उसमें कुछ एक नया दृष्टिकोण लाना ही आधुनिकता है। साहित्य की सभी विधाओं में आधुनिकता स्पष्ट है। ध्यान दें, आदि काल में केवल कविता थी, भक्ति काल में केवल कविता थी, रीति काल में केवल कविता थी, गद्य बहुत कम लिखा गया, लेकिन आधुनिकता में जो गद्य विधाएं कल हमने पढ़ाई थी, कल जैसे कि हमने पढ़ाई थी, नाटक पढ़ाया था, नाटक की तत्व पढ़ाए थे, एकांकी, उपन्यास, कहानी, उसके बाद जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्त, उसके उपरांत डायरी, रिपोर्टाज, पत्र, ये सारी जो गद्य विधाएं हैं वो सारी की सारी विधाओं में आधुनिकता स्पष्ट है। केवल कविता में दिखाई देती है ऐसा नहीं है, अपितु साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं उन सभी विधाओं में, साहित्य के सभी प्रकारों में, चाहे वो गद्य हो, पद्य हो, कोई भी हो, उन सभी में आधुनिकता हमें दिखाई देती है। आधुनिकता का संबंध कहां से, देखिए आधुनिकता क्या है, कैसे आई, ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी, इसको प्रौद्योगिकी कहा जाता है। ज्ञान विज्ञान की अलग अलग शाखाएं आई आधुनिक काल में, और परिणामतः हमने देखा कि हर क्षेत्र में क्रांति हो गई, वैसे लेखन क्षेत्र में भी क्रांति हो गई, और इन सभी ज्ञान विज्ञान और तंत्र ज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी, इन सबका परिणाम हमें आधुनिक में संभव दिखाई देता है। ये आधुनिकता किस चीज पर अवलंबित है, वह ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर। इसके उपरांत एक महत्वपूर्ण बात कही है कि क्वांटम सिद्धांत साइंस का सिद्धांत है, और दूसरा है सापेक्षता सिद्धांत। सापेक्षता सिद्धांत किसका है, नाम याद है किसी को आपको, देखिए E is equal to MC square और सापेक्षता के दो सिद्धांत, एक जू यानी यहूदी व्यक्ति ने लगाए थे, जिनके आधार पर बाद में बम का विस्फोट भी किया गया वगैरह वगैरह। तो ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझें कि क्वांटम सिद्धांत और सापेक्षता सिद्धांत ये सिद्ध कर दिया है कि अब कोई भी सार्वभौमिक सत्य नहीं, एक सत्य सभी ओर नहीं, मतलब अमेरिका में जो सत्य है वो यहाँ हो सकता है झूठ हो, यहाँ जो सत्य हो हो सकता है कि रशिया में झूठ हो जाए, रशिया का सत्य तुर्क में झूठ हो जाए। इसका तात्पर्य यह है, दरअसल इसका तात्पर्य है मेरे कहने का यह है कि क्वांटम सिद्धांत और सापेक्षता सिद्धांत जैसे सिद्धांतों ने किसी भी प्रकार के सार्वभौमिक सत्य जो सभी ओर सत्य है इसका इनकार कर दिया है, और शाश्वत नैतिकता का भी इनकार कर दिया है। आधुनिकतावाद यही कह रहा है, ध्यान रखिए, मतलब जो पुराने जमाने में चाहे वो आदिकाल हो, भक्ति काल हो, रीति काल हो, या किसी भी धर्म की चिंतन धारा हो, उसमें जो सत्य हमें लगा था, अब वो सत्य आधुनिकता के सामने टिक नहीं पा रहा है, आधुनिकता के सामने टिक नहीं पा रहा, क्योंकि आधुनिकता के पास ज्ञान विज्ञान और तंत्र ज्ञान, और इससे हम सत्य को जांच सकते हैं, बराबर है, इस प्रकार हम सत्य को जांच सकते हैं। और इसी के कारण जो धार्मिक नैतिकता, शाश्वत नैतिकता की बात थी या फिर सार्वभौमिक सत्य की बात थी, वो सारी बातें अब झुठलाई जाने लग गई है। फिर आधुनिक ज्ञान विज्ञान ने मनुष्य को बुद्धिमान बना दिया है, और ध्यान रखिए दार्शनिक थे, और इस दार्शनिक का नाम है निश्चय, इन्होंने नोबेल पुरस्कार टुकड़ा दिया था, नोबेल पुरस्कार भी नहीं चाहिए, इतने वो अस्तित्ववादी थे, और उन्होंने कहा कि ईश्वर मर गया है, इसकी घोषणा कर दी उन्होंने। ध्यान रखिए ईश्वर बहुत अच्छी संकल्पना है, अल्लाह ईश्वर गॉड निर्माता निर्मिक, इसके बहुत सारे नाम हम दे सकते हैं, ये बहुत अच्छी संकल्पना थी, लेकिन दुर्दैव से हर धर्म के लोगों ने अपनी स्वार्थ की आपूर्ति के लिए ईश्वर संकल्पना का उपयोग कर, ये निश्चय ने समझ लिया, और निश्चय कहना था कि मेरा अस्तित्व महत्वपूर्ण है,
सबसे महत्वपूर्ण क्या मेरे ईश्वर में मेरा अस्तित्व है, ईश्वर है या नहीं बात की बात है, मैं हूं। इसलिए एक शायर की बात मुझे याद आती है, अस्तित्ववादी शायर है, वे कहते हैं कुछ न था तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया इस सपने ने मुझे, अगर मैं न होता तो क्या होता। बराबर है, सारी दुनिया सिर्फ मेरे लिए है ना, अगर मैंने तो मेरे लिए क्या उपयोग है इसका। अभी कोई एक नई रैपर आई है, देखिए वो कहते कि मैंने तो कौन पे है? मैं नहीं तो कौन। ध्यान रखे, आपको आपका अस्तित्व महत्वपूर्ण है, आप ईश्वर को मानो न मानो। अस्तित्ववादी भी दो प्रकार के हैं, ईश्वरवादी यानी आस्तिक, आस्तिकवादी भी है और नास्तिक, आस्तिकवादी भी है, अस्तित्ववादी भी है। अब देखिए कि ऐसे में क्या हुआ कि ईश्वर की मृत्यु में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है, और इस क्रांतिकारी परिवर्तन से जो पहले क्या कह रहे थे हमारे इसमें, हम जो कुछ सोचते थे पाप पुण्य की बात करते थे, हम कहते थे धर्म अधर्म की बात, हम कहते थे अच्छे बुरे की बात, ये सारी जो कसौटियां हमारे धर्म ग्रंथ में निर्धारित की गई थी उनकी प्रामाणिकता समाप्त हो गई। देखिए मैं जो कुछ कर रहा हूं मैं पुण्य कमा रहा हूं, हालांकि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, मैं पाप पुण्य की जगह मैं अपने कर्तव्य की बात करूंगा, ठीक है, सत्य असत्य की जगह मैं अपने कर्तव्य की बात करूंगा, इसलिए मेरा अस्तित्व मेरे कर्तव्य से नजर आने वाला है, ठीक है, मेरा अस्तित्व मेरे कर्तव्य में से नजर आने वाला है, मेरे वर्तन से नजर आने वाला है, मेरे आचरण से नजर आने वाला है, इसलिए अपना आचरण पवित्र रखो, इससे ज्यादा किसकी बात नहीं है। ये विचार मत करो कि ये पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, सच कर रहे हैं, झूठ कर रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। और पुराने मूल्य विघटित हो गए, सारे के सारे मूल्य विघटन आ गए, ध्यान रखें। और विज्ञान की प्रगति से निश्चयवादी सिद्धांत खोखला हो गया। अब विज्ञान क्या कहता है, देखिए विज्ञान ये कहता है, जिसको हम साइंटिफिक टेम्परामेंट कहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करेगा, लिखी लिखाई बात पर विश्वास नहीं करेगा, वो प्रयोग करेगा, सिद्ध करेगा, फिर उसे मानेगा। अणुओं की सत्ता के असिद्ध हो जाने के बाद अणु शक्ति ऊर्जा में बदल जाती है, क्या किया, एक अणु क्या कहते हैं उसे, एटम, उससे एटम बॉम्ब की ऊर्जा निर्माण हो रही है। और निश्चयात्मकता मतलब ऐसा ही होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा ही होगा कहने वाले की अनिश्चितता आ गई, और अस्तित्ववादी दर्शन ने इस पर मुहर लगाकर और भी पुष्ट कर दिया। अस्तित्ववादी दर्शन ने अपने पूर्ववर्ती दर्शन और विज्ञान की अमूर्तता पर भी आक्रमण कर दिया, और ठोस अनुभव तथा प्रत्येक व्यक्ति के बुनियादी सवालों से जुड़ा। क्या है हमारे बुनियादी सवाल, अगर मैं जीवित हूं तो मुझे आगे जीने के लिए मुझे रोटी चाहिए, अन्न चाहिए, जल चाहिए, मेरे लिए भोजन चाहिए, ये मेरी आवश्यकताएं हैं, ये मेरी आवश्यकताएं आपका धर्म पूर्ण नहीं कर पाएगा, ये मेरी आवश्यकताएं आपका पाप पुण्य का कि विचारधारा पूर्ण नहीं करेगी, मुझे मेरे काम खुद को करने पड़ेंगे तभी मेरा अस्तित्व होगा। इसे कह देते हैं एसेंस ऑफ लाइफ, मनुष्य के जीवन का सार यह है कि उसे जीवित रहना है, और उसे जीवित रहने के लिए जिन मूल्यों की जरूरत है उन मूल्यों को स्वीकारेगा, और जो मूल्य कार्रवाई हो चुके हैं उनको वो फेंक देगा, समाप्त कर देगा। अब क्या आगे देखिए, ऐसे विज्ञान की मूर्तता पर भी आक्रमण किया, और ठोस अनुभव था प्रत्येक व्यक्ति के बुनियादी सवालों से जुड़ा। कौन से बुनियादी सवाल, ये सवाल कौन कौन से है, पहले दुख, ध्यान रखिए इसका, दुख का सबसे पहला अनुभव प्रत्येक व्यक्ति ने किया, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन इसको दार्शनिक रूप देने का काम किया है गौतम बुद्ध जी ने। गौतम बुद्ध जी ने कहा कि मनुष्य के जीवन का सार दुख है, मनुष्य के जीवन में निराशा है, मनुष्य दुखी होता है, मनुष्य निराश होता है, व्यक्ति व्यग्र होता है, अपने काम में व्यग्र होता है, व्यस्त हो जाता है, वह अकेला है। ध्यान रखिए प्रत्येक व्यक्ति अकेला आया है, अकेला जाने वाला है, चाहे आपके पास कितने भी लोग क्यों न हो, आपके पास कितने भी रिश्तेदार क्यों न हो, लेकिन अंत में अकेले ही जाना पड़ता है। फिर उसके बाद मृत्यु बोध, मैं कहीं ना कहीं मरने वाला हूं, कभी ना कभी मरने वाला हूं, कहीं ना कहीं मरने वाला हूं, वो स्थान और काल हमारे नियति ने निश्चित किया हुआ है, इसलिए इस मृत्यु बोध से भी समझना पड़ेगा, इसको भी जानना पड़ेगा। फिर है स्वतंत्रता,
मेरी अपनी स्वतंत्रता है, मैं भले ही एक विशिष्ट धर्म में उत्पन्न हुआ हूं लेकिन मेरे अपने स्वयं के अलग विचार है, स्वतंत्र विचार है, और मैं पूर्वजों के विचारों पर चलने वाला नहीं, मैं अपने विचारों पर चलूंगा, ये स्वाधीनता है। फिर उसके बाद है त्रासदी, और ध्यान रखिए जो व्यक्ति इस प्रकार की बातें करेगा, समाज के खिलाफ जाएगा, धर्म मान्यताओं के खिलाफ जाएगा, उसको तो समाज त्रास देने ही वाला है, उसकी ट्रेजेडी होने ही वाली है। जो भी कुछ नई बातें कहता है, आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिन है, उन्होंने घोषणा की थी कि मैं हिंदू के रूप में जन्मा तो लेकिन हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया वगैरह वगैरह सारी बातें। आज भी उनका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुसंख्य हिंदू धर्म के खिलाफ उन्होंने बातें की, संतोष तो उन्हें होना पड़ा, उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया या कला मंदिर प्रवेश में, उन्हें संविधान सभा में आने नहीं दिया, आए तो उन्हें ज्यादा काम लगा दिया, ये सब पता है। उन्हें हिंदू कोड बिल लगाने की कोशिश की, लोग नहीं माने, अच्छी बात करने की कोशिश की, नहीं माने लोग। देखिए इतना विद्वान होते हुए भी उस आदमी तक की उपेक्षा इस समाज में की, हम तो बहुत सामान्य व्यक्ति हैं। इसलिए अस्तित्व हमारा किसमें है कि हमारे दुख में हमारा अस्तित्व है, हमारी निराशा में, क्योंकि हम जितना भी काम करते हैं उस प्रकार से हमें फल नहीं मिलता तो निराश हम हो जाते हैं। परीक्षा में देखिए बहुत अच्छी तरह से अगर कम अंक आए तो निराश हो जाते हैं। उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने दुख में व्यग्र होता है, वो अकेला होता है, अकेला आता है, अकेला जाता है, उसको हमेशा डर रहता है कि कभी ना कभी उसकी मृत्यु होने वाली है। फिर उसके बाद वो स्वतंत्र रीति से विचार करने करता है और त्रासदी, और इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य लिखा गया है आधुनिक काल में, जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, कुंवर नारायण जी का कालजय, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका दूसरा भाग ही आया हुआ है बाद में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है कि मनुष्य की इंडिविजुअलिटी, मनुष्य का अकेलापन, मनुष्य की एक स्वतंत्र व्यक्तित्व होने की चीज, वह अब किसे नहीं मानता, वो सामूहिकतावाद को नहीं मानता। मतलब समझिए, मैं एक हिंदू हूं, मैं एक विशिष्ट विचारसरणी के लोगों में पड़ा पड़ा हूं, लेकिन मैं अपने समाज पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि समाज में हमेशा बुरे कामों में व्यस्त करता है। सामूहिकता जहां आ जाती है इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है, व्यक्तिगतता नष्ट हो जाती है, और आधुनिकता है व्यक्ति सापेक्ष, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे अपने विचार क्या है, मेरा अपना वर्तन क्या है, इसलिए वो सामुदायिक पर अपने आप को बलिदान नहीं करता। दूसरी चीज है निश्चयवाद, ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है। इसमें मुझे जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण बात याद आती है कि जैन धर्म में अनेकांतवाद है, एक चीज का परिणाम एक ही होगा ऐसा नहीं है, और एक ही चीज का परिणाम है ऐसा नहीं है। एक घटना जब घटती है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, और एक घटना के द्वारा उसके परिणाम अनेकों पर होते हैं। इसलिए यहां आया है कि अब निश्चयवाद नहीं रहा, अब अनेकांतवाद लगभग आ चुका है। और उसी प्रकार से देखिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है, बराबर है। आपने हिंदी विषय ले लिया, आपका निर्णय था, लेकिन बंद गए तो पढ़ने पड़ेगी आपके, यानी प्रत्येक व्यक्ति के निर्णय लेने में समर्थ है, और एक बार निर्णय ले लिया उसके जो परिणाम होंगे उस परिणामों के लिए वो खुद जिम्मेदार है, उसके लिए कोई समूह की बात नहीं, माता पिता उसके लिए जिम्मेदार नहीं, बहन भाई बहन जिम्मेदार नहीं, शिक्षक अध्यापक प्राध्यापक जिम्मेदार नहीं है। जो निर्णय आपने लिया वो आपके काम का है, उसमें कुछ अच्छाई हुई तो भी जिम्मेदार आप है, कुछ गलतियां हो गई, कुछ बुरा प्रभाव पड़ा तो भी गलतियां आपको ही उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और इसमें जिन लोगों ने ये किया, काम किया है, उनमें सोरे किर्केगार्ड, सार्त्र और अभी कामो, और एक नाम निश्चय का लिया था, निश्चय किर्केगार्ड सार्त्र कामो, ये सारे लोग हैं। इनमें से सार्त्र, इन्होंने अस्तित्ववाद को एक नए आयाम दिया। ये जो अस्तित्ववादी चिंतक हैं, इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, और इसका प्रभाव हिंदी साहित्य में किस रूप में दिखाई पड़ता है, हमें अजनबी पर प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से अनजाना है, कभी कभी व्यक्ति खुद को नहीं समझ पाता दूसरों को क्या समझे, हम अजनबी हैं इस दुनिया में, हमारे यहां कोई नहीं ध्यान रखे। और उसके बाद
अकेलापन फिर आ गया, हम अकेले हैं, हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, हम खुद अकेले हैं, फिर मृत्यु बोध उसमें है और जीवन की व्यर्थता। आप कितना भी जिए, कितना भी जिए, हम जिस चीज को पाने का प्रयास करते हैं उस पाने के प्रयास में बहुत सारी चीजें हम खो भी जाते हैं। इसलिए देखिए एक नाटक वेटिंग फॉर गोडोट नाम का नाटक है, उसमें गोडो की प्रतीक्षा की जा रही है, गोडो ऐसा है, गोडो वैसा है, गोडो वैसा है, गोडो वैसा है, 3 घंटे नाटक चलता है, सारे पात्र गोडो के बारे में बोलते हैं, अंत तक गोडो सामने आता ही नहीं है। ये मनुष्य के जीवन की व्यर्थता है। आप कितनी भी ऊंचाई पर जाइए, आपको जब चाहिए आपने प्राप्त भी कर लिया है, तब भी आपको उस क्षण ऐसा लगेगा कि इससे भी और कुछ पाना रह गया है। देखिए आज अमिताभ बच्चन जी का मैं उदाहरण देता हूं, अमिताभ बच्चन जी 81 साल के हो गए हैं, अभी भी अभिनय कर रहे हैं, अभी भी ऊंचाई जैसे फिल्म कर रहे हैं, वो अभी भी समाधान है क्या? ठीक है, पैसा तो मिल रहा है, जी तो रहे हैं, लेकिन एक ऐसी भूमिका मैं करना चाहता हूं जो मेरे सपनों की भूमिका हो, वो अभी तक उनको नहीं मिली। ये असंतुष्टि जो है मनुष्य को और अधिक प्रगति करने पर मजबूर करती है, विवश करती है, ये जरूरी है। और फिर ये जो प्रवृत्तियां हैं वो आधुनिकता के परिणाम स्वरूप है, जिसको हम आधुनिकवाद कहते हैं वो यहां से आता है। इसलिए अब किसी ग्रुप किसी समुदाय मेरा धर्म मेरी जात ऐसा विचार करके नहीं चलेगा। इंडिविजुअल, मैं अच्छा हूं या बुरा हूं मुझसे पूछो, मेरे धर्म के किसी व्यक्ति ने कुछ कर दिया उसका परिणाम मेरे लिए, मैं क्यों भुगतूं? बराबर है, ये सब जरूरी चीजें हैं। अब यहां सामूहिकतावाद समाप्त हो चुका है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है निश्चयवाद समाप्त हो चुका है, ये 2 चीजें अस्तित्ववाद ने कराई है। फिर उसके बाद आधुनिक हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल हिंदी साहित्य का उसका साहित्य दृष्टिकोण सर्वश्रेष्ठ है इस युग का, सर्वश्रेष्ठ युग है, क्योंकि इसमें बहुत सारी विचारधाराएं हैं, बहुत सारी साहित्यिक बातें आई, और इसमें हिंदी में अनेक अलग अलग विधाओं का विकास हुआ, और इन सबके पुरोधा के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का बहुत बड़ा योगदान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने केवल 35 वर्ष की आयु पाई थी, 1850 में उनका जन्म हुआ था और 1850 में उनकी मृत्यु हुई, 35-36 साल की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन उन्होंने क्या क्या पाया, कितने ग्रंथ लिखे, कितने लेख लिखे, बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। और यह काव्य इसमें खड़ी बोली ब्रज भाषा और गद्य लेखन इसी के दृष्टि से इसे स्वर्ण काल कहा जाता है, और इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा, इसलिए हम गद्य, क्योंकि कल की हम तासिका में हमने गद्य की प्रवृत्तियां देखी थी, सारी सारी गद्य की नाटक एकांकी उपन्यास कहानी जीवनी आत्मकथा रेखा चित्र संस्मरण उसके बाद यात्रा वृत्तांत रिपोर्टाज डायरी पत्र ये सारी विधाएं हमने देखी थी, और ये विधाएं कहाँ है इसी काल में, इसलिए इस दृष्टि से साहित्य की विविधता की दृष्टि से गद्य की विविधता की दृष्टि से इसको स्वर्ण युग माना जाता है। अब आधुनिक काल का परिचय देखिए, भारतीय इतिहास का आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से आरंभ होता है, मतलब 1857 से 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु युग से होता है, उसी को भारतेंदु युग कहा जाता है, मतलब उसकी जो समय सीमा है 1843 से 1923 तक की आचार्य शुक्ल जी ने मानी है, हालांकि बाद में जब चिंतन किया गया तो 1857 से लेकर के 1902 यह भारतेंदु युग की है, उसके उपरांत जो द्विवेद युग आता है 1902 से लेकर 1918 तक, 1918 से लेकर के 1938 तक को छायावादी युग कहा जाता है, 1938 से 1952 तक का प्रगति प्रयोगवादी युग कहा जाता है, 1952 से लेकर के 75 तक का जो नई नवलेखन का काल कहा जाता है, 1975 से लेकर के 2000 तक का काल समकालीन कहा जाता है, और उसके बाद 21वीं शताब्दी का काव्य आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है, और इसमें आचार्य शुक्ल जी ने इसे जो नाम दिया है वो नाम मैंने बहुत बार कहा है, वो नाम है गद्य काल। रामकुमार वर्मा जी ने इसे आधुनिक काल नाम दिया जो अब चल पड़ा है, हालांकि यह नाम बहुत लोकप्रिय है और यही अब सुनिश्चित हुआ है। मिश्र बंधु ने इसे वर्तमान काल नाम दिया, गणपति चंद्रगुप्त ने इसे आधुनिक काल नाम दिया, वही आधुनिक काल बार बार नाम। आधुनिक काल में
सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हुई कि रीतिकालीन दरबार में जो काव्य धारा फंसी हुई थी, मतलब किसी राजा के दरबार की कविता, उससे कविता को निकाल करके, साहित्य को राज दरबार से निकाल करके जनसामान्य में लाकर खड़ा करना, ये आधुनिक काल की विशेषता है। और इसमें अनेक गद्य कलाओं का विधाओं का विकास हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसे राष्ट्रीय चेतना का काल कहा जाता है, अब हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। अब ध्यान देंगे, गद्य काल बार बार कहा जा रहा है, और मैंने इससे पूर्व भी कहा था कि हिंदी साहित्य का, चाहे आप आदिकाल लीजिए, चाहे भक्ति काल लीजिए, या फिर रीतिकाल लीजिए, इसमें काव्य ज्यादा लिखा गया, कविता ज्यादा लिखी गई, लेकिन आधुनिक काल में गद्य अधिक लिखा गया। और इसका विकास जो हुआ दो भाषाओं में हुआ, पहली है ब्रज भाषा का गद्य साहित्य, ब्रजभाषा का गद्य साहित्य, और खड़ी बोली का गद्य साहित्य, ब्रजभाषा का गद्य साहित्य और खड़ी बोली का गद्य साहित्य। और जैसे हमने कहा था आपसे कि भारतेंदु युग में खड़ी बोली गद्य में, गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता था, और कविता के लिए, काव्य के लिए ब्रजभाषा का उपयोग किया जा रहा था। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका 1800 ईस्वी सन में कलकत्ता, जिसको कोलकाता कहा जाता है, उसमें स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की भूमिका प्रमुख रही। और उसमें जो भाषा मंत्री थे, जिसमें लल्लू जी लाल थे, उन्होंने प्रेम सागर नाम की पुस्तक खड़ी बोली में लिखी। फिर सदर मिश्र नासिक कथोपख्यान, सदा सुखलाल नियाजी सुख सागर, और इनशाला खान, जिनके पिता का नाम मानशाला खान था, उन्होंने हिंदी की पहली कहानी लिखी, जिसका नाम है रानी केतकी की कहानी। ये गद्य प्रारंभिक गद्य जो है हिंदी का, इस प्रकार लिखा गया। और इन सभी रचनाओं ने, रचनाकारों ने साहित्य में खड़ी बोली और ब्रजभाषा संबंधित अनेक रचनाएं की। अब ब्रजभाषा का गद्य जो है उसके प्रारंभिक कुछ रचनाएं आपके सामने रखता है। हालांकि ब्रजभाषा में अधिकतर पद्य काव्य लिखा गया है, लेकिन इसमें गद्य भी लिखने का कुछ लोगों ने प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत स्वामी वल्लभाचार्य, जो सूरदास के गुरु थे, उनके पुत्र का नाम था विठ्ठलनाथ, और विठ्ठलनाथ ने पहला खड़ी ब्रज भाषा का गद्य लिखा, जिसका नाम है श्रृंगार रसमंद। ये ब्रज भाषा का पहला गद्य है। और उसके बाद दो वार्ता ग्रंथ आए, जिनका उल्लेख हिंदी साहित्य ने बार बार किया था, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 की वार्ता, जिसके रचनाकार गोकुलनाथ है। और 84 वैष्णव की वार्ता 17वीं शताब्दी में लिखी गई, वल्लभाचार्य के जितने भी शिष्य हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य और विठ्ठलनाथ के शिष्य मिल करके 8 की बात, जिनको अष्टछाप संप्रदाय कहा जाता है, जिसमें सूरदास, नंददास, कुंभनदास, चित्तस्वामी, हरिस्वामी वगैरह प्रमुख हैं, इनका जीवन वृत्त है। और 252 की वैष्णव की वार्ता में औरंगजेब के काल में लिखी गई है, और इसमें गोसाई विठ्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है, विठ्ठलनाथ के भी शिष्य हुए थे, और इनको अष्टयान कहा जाता है या अष्टछाप कहा जाता है इस संप्रदाय को। और बाद में नाभादास अष्टयान की रचना की, जिसमें भगवान राम की 8वां प्रहर की दिनचर्या, भगवान राम उठ करके क्या करते थे, ध्यान रहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भारत के एक आदर्श पुरुष है, महापुरुष है, और उन्होंने दिन भर क्या किया, क्या करते थे, चाहे वनवास में हो, चाहे राज्याभिषेक होने पर अयोध्या में रहते हो, उन्होंने क्या किया, उसकी ये ब्रज भाषा में लिखा गया गद्य है, प्रारंभिक गद्य। और गद्य लेखन का ज्यादा प्रचार न होने के कारण ब्रज भाषा का गद्य अधिक काल तक नहीं चल पाया, और उसकी जगह एक नई भाषा आ गई गद्य के लिए, जिसका नाम है खड़ी बोली। खड़ी बोली गद्य इसका बहुत ज्यादा प्रचार हुआ। इतना ही नहीं, भारतेंदु युग में अधिकतर गद्य खड़ी बोली में लिखा गया है, और पद्य ब्रजभाषा में लिखा गया है। अब इसमें कुछ ये नाम है जो प्रारंभिक गद्य है, किसके हैं, ब्रजभाषा के गद्य, इसका उल्लेख हो चुका था, श्रृंगार रसमंडल विठ्ठलनाथ ने लिखा हुआ, अष्टयाम नाभादास ने लिखा हुआ,
84 वर्ष में उनकी वार्ता गोकुलनाथ ने लिखा, 252 वर्ष में उनकी वार्ता गोकुलनाथ ने लिखा हुआ अगहन महात्म्य। अगहन एक महीना है, उसका महात्म्य वैकुंठ मुनिषद्वयों ने लिखा हुआ। वैशाख महात्म्य, वैशाख महीने का महात्म्य वैकुंठ मुनिषद्वयों ने लिखा हुआ। और बेताल पंचविशी, हालांकि वो संस्कृत ग्रंथ था बेताल पंचविशी नाम से, उसका भी हिंदी अनुवाद यहाँ खड़ी बोली नहीं अपितु ब्रजभाषा के गद्य के रूप में किया। आप चलते हैं खड़ी बोली के आरंभिक रचना। खड़ी बोली में सबसे पहले जो गद्य की रचना हुई वह है कवि गंगा द्वारा लिखी, जिसका नाम क्या है, चंद छंद वर्णन की महिमा। यह हिंदी खड़ी बोली का पहला गद्य है। एक आध बार आपको वस्तुनिष्ठ रूप में पूछा जा सकता है चंद छंद वर्णन की महिमा, यह किसने लिखा है, कवि गंग द्वारा लिखा गया है। और इसके उपरांत ये रचना सम्राट अकबर के काल में हुई थी। और 1741 में राम प्रसाद निरंजन, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, ये पटियाला के रहने वाले थे, पटियाला के राम प्रसाद निरंजन, इन्होंने एक संस्कृत ग्रंथ है योग वासिष्ठ, उसका हिंदी अनुवाद करके उसे नाम दिया भाषा योग वासिष्ठ। ये हमने खड़ी बोली गद्य के विकास में देखा है। मतलब कहाँ देखा है, याद कीजिए, आपको जो हिंदी की शैलियां हैं संस्कृत निष्ठ हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, और उसमें उसमें के संस्कृत निष्ठ हिंदी के भाग में हमने ये देखने की कोशिश की थी कि भागा भाषा योग वासिष्ठ, इन्होंने खड़ी बोली गद्य की रचना की। उसके उपरांत मुंशी सुखलाल, सदा सुखलाल, लल्लू जी लाल, इन्होंने भी खड़ी बोली में गद्य का परिमार्जित रूप किया था। और शुक्ल आचार्य शुक्ल जी ने राम प्रसाद निरंजन जी को, इनको हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। प्रौढ़ लेखक मतलब खड़ी बोली गद्य में बहुत सारे प्रयास हो रहे थे, लेकिन इसमें भाषा योग वासिष्ठ लिखने वाले राम प्रसाद निरंजन हिंदी गद्य के पहले प्रौढ़ लेखक है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि लल्लू जी लाल, इनका भी नाम महत्वपूर्ण है, इन्होंने उर्दू, खड़ी बोली, हिंदी और ब्रजभाषा तीनों में गद्य लिखा है। खास करके उनके दो ग्रंथ माधव विलास और सभा विलास नाम से ब्रजभाषा पद्य के संग्रह का ग्रंथ है उनका। और इन्होंने प्रेम सागर नामक ग्रंथ में विष्णु पुराण, जो हिंदुओं के महत्वपूर्ण देवता विष्णु के बारे में, उसके दशम स्कंध का अनुवाद किया है। हालांकि श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध का अनुवाद सूरदास ने सूरसागर के रूप में किया, लेकिन विष्णु पुराण के दशम स्कंध का इन्होंने हिंदी अनुवाद प्रेम सागर के रूप में किया है। आगे हैं सदल मिश्र। सदल मिश्र ये बिहार के निवासी थे और ये भी फोर्ट विलियम कॉलेज में काम किया करते थे, जो भाषा मुंशी के भाषा के अध्यापक थे। और महाविद्यालय के इस कॉलेज के अधिकारियों से उन्होंने खड़ी बोली गद्य की पुस्तक लिखी, जिसका नाम है नासिकेतोपाख्यान, अर्थात कठोपनिषद पर आधारित है। कठोपनिषद में नचिकेता और यम की कहानी आती है, जिस पर आधारित ये उल्लेख मैंने किया था आत्मजयी का, वह भी इसी आख्यान पर आधारित है। फिर अगले हैं मुंशी सुख सदा सुख लाल नियाज, ये उपनाम था, उर्दू लिखते थे नियाज उपनाम से लिखते थे। उन्होंने विष्णु पुराण के प्रसंग से लेकर के एक पुस्तक लिखी थी जो पूरी नहीं है, लेकिन सुख सागर में श्रीमद् भागवत का उन्होंने हिंदी अनुवाद किया है। और मुंशी जी ने उस समय जो हिंदू लोग, उत्तर भारत के हिंदू लोग शिष्ट बोलचाल करते थे, मतलब शिष्टाचार के रूप में, मतलब अच्छे लोग जिस प्रकार बातें करते थे वो, और हिंदू उर्दू मिश्रित का, मतलब हिंदुओं की हिंदी भाषा, मुसलमानों की उर्दू भाषा, इन दोनों के मिश्रित रूप का प्रयोग किया है। इसके उपरांत राजा लक्ष्मण सिंह आगरा वाले आते हैं, इन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है गद्य के रूप में। और 1861 में उन्होंने प्रजाहितैषी नाम का पत्र प्रकाशित किया। और 1862 में इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कालिदास का अंतिम नाटक है, कालिदास है संस्कृत के नाटककार जिनके चार नाटक हैं, पहला नाटक उनका है मालविकाग्निमित्रम, दूसरा, तीन ही नाटक है उनके, दूसरा विक्रमोर्वशीयम और तीसरा अभिज्ञान शाकुंतलम।
तो अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद उन्होंने किया। उसके बाद में आते हैं बाबू शिव प्रसाद, इनको सितारे हिंद कहा जाता है, अंग्रेजों ने ये उपाधि दी थी सितारे हिंद, स्टार ऑफ इंडिया कहा जा सकता है। और उनके बाद बाबू नवीन चंद्र, लेकिन इन लोगों ने उर्दू के पक्षपाती थे, मतलब ऐसी हिंदी लिखते थे जिसमें उर्दू शब्द ज्यादा हो, और संस्कृत शब्द ज्यादा राजा लक्ष्मण सिंह का, मतलब इनमें भाषा तो दोनों की हिंदी थी लेकिन उसमें शब्द संस्कृत के अगर ज्यादा आए तो राजा लक्ष्मण सिंह के समझना उर्दू के ज्यादा शब्द आए, तो शिव प्रसाद सिंह और नवीन चंद्र जी। अब ये कहा जा सकता है कि ये भारतीय हरिश्चंद्र से पूर्व का गद्य है, 1857 से पहले का। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पहले दो गद्य की शैलियां विद्यमान थी, एक उर्दू फारसी अरबी की जिसके शिव प्रसाद सिंह थे, और दूसरी संस्कृत शब्द से जिसके लक्ष्मण सिंह थे। लक्ष्मण सिंह संस्कृत युक्त हिंदी लिखते थे और शिव प्रसाद से पहले उर्दू में हिंदी लिखते थे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया, न शिव प्रसाद सितारे हिंद का पक्ष लिया और न लक्ष्मण सिंह का, इन दोनों का एकत्रीकरण किया, इन दोनों का मध्य मार्ग लाया, मतलब ज्यादा संस्कृत के भी शब्द नहीं आने दिए, ज्यादा उर्दू के भी शब्द नहीं आने दिए, लेकिन जनभाषा में जो प्रचलित संस्कृत के शब्द हैं, जनभाषा में प्रचलित जो उर्दू फारसी अरबी के शब्द हैं, उनको भी स्वीकारने का प्रयास किया। इसके बाद आते हैं इंशाअल्लाह खान, जिनके पिताजी का नाम माशाअल्लाह खान था, ये उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे और इन्होंने हिंदी की पहली गद्य कहानी लिखी है, इंशा ने रानी केतकी की कहानी, ये कब लिखी, 1855 से 1860 के बीच, जब भारतेंदु हरिश्चंद्र शायद खेल रहे होंगे उस काल में लिखी गई कहानी है। अब ये चार लेखक हैं महत्वपूर्ण, लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू जी लाल, सदर मिश्र और इंशाअल्लाह खान, ये चार पांच लोग। और 1800 के आसपास गद्य हिंदी खड़ी बोली का गद्य शुरू हो चुका था। शिव प्रसाद सितारे हिंद काशी से एक अखबार चलाते थे जिसका नाम था बनारस अखबार, और उन्होंने जो पुस्तकें लिखी उसमें उनके पत्र की भाषा में ज्यादा उर्दू का कूट था, उन्होंने जो पुस्तकें लिखी उनमें आलसियों का कीड़ा, मानव धर्म का सार, राजा भोज का सपना, उपनिषद सार, इतिहास तिमिर नाशक, भूगोल हस्तामलक, इस प्रकार की पुस्तकों ने हिंदी खड़ी बोली गद्य में लिखी। अब सितारे हिंद हिंदी के पक्ष में थे लेकिन मुस्लिमों का भी पक्ष लेते थे क्योंकि उसमें उर्दू के शब्द आते थे वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये प्रारंभिक हिंदी की खड़ी बोली हिंदी की रचना, जैसे हमने ब्रजभाषा गद्य की रचना देखी वैसे प्रारंभिक हिंदी खड़ी बोली गद्य की रचना है भाषा रामप्रसाद नयन जी, पद्म पुराण का अनुवाद पंडित दौलत राम, मंडोवर का वर्णन पंडित दौलत राम, सुख सागर सदा सुखलाल न्यास, नासिक चौपत्या सदर मिश्र और रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खान। अब देखिए 1857 ही क्यों, आधुनिक काल का आरंभ 1857 क्यों माना जाता है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि 1857 की क्रांति में भारतीय लोग एकत्र होकर के लड़े लेकिन उन्हें अपयश आया और तब भारतीय लोगों में चिंतन शुरू हुआ, हम हारे क्यों, चिंतन से राष्ट्रीयता निर्माण होती है, ध्यान रखिए, और यह चिंतन हार से निर्माण हुआ था। और 1857 में पहला स्वाधीनता संग्राम जब शुरू हुआ उसको अंग्रेजों ने सिपाही म्यूटिनी कहा था, मतलब सिपाहियों का विद्रोह कहा था, लेकिन मंगल पांडे ने जो गोली चलाई उस गोली में उसके पीछे हिंदू और मुसलमान दोनों की भावना थी कि उस समय जो कारतूस आते थे उस कारतूस में सुअर और गाय दोनों की चर्बी लगी होती थी, गाय हिंदुओं में पूज्य है और मुसलमानों में सुअर अस्पृश्य है, इसलिए ये धार्मिक कारण उसका था। ऐसे बहुत सारे कारण थे और उसके उपरांत हम देखते हैं कि भारत अंग्रेजों को ये लगा कि अब हम ज्यादा देर तक राज नहीं कर पाएंगे इन पर, और राष्ट्रीय चेतना की लहर दौड़ आई, उसमें राष्ट्रीय देशभक्ति पर कविता नाटक इत्यादि रच गए, अंग्रेजों की पोल खोली गई, अंग्रेजी शासन में जो दुर्दशा उत्पन्न हुई थी उसका मंचन हुआ और भारतीय हरिश्चंद्र जी का एक नाटक है भारत दुर्दशा नाम का,
आओ हम मिलहि सब भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। उनके कुछ दोहे आपके पाठ्यक्रम में मातृभाषा दोहे के रूप में, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान गुण कृत हृदय को सुन से लेकर के बहुत सारे। अब ये जो मंचन हुआ था नाटकों के माध्यम से, गद्य जो आ रहा था उसके कारण अंग्रेजों की यूं हो गए कि अंग्रेज हिल गए लगभग। और बाद में जाकर के अब ये भी चिंतन होने लगा कि अगर हमारे पूर्वज रामकृष्ण जैसे महान थे, हमारा देश सोने की चिड़िया था, तो किस कारण से आज की अवनति हुई। तब ध्यान में आ गए लोगों के कि हमें जाति पाति है, छुआछूत है, ऊंच नीच, ऐसे सामाजिक समस्याएं और कुरीतियां थी, और इसलिए उनका विरोध धार्मिक संतों ने किया, सूफियों ने किया। 19वीं शताब्दी के धार्मिक तत्व नष्ट तो नहीं हुए, परंतु उसका रूप परिवर्तन हो गया, धर्म परिवर्तनशील हो गया, और अनेक समाज सुधारकों ने अपने धर्म को बदला। हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियां प्रचलित थी, जैसे कि सती प्रथा थी, लेकिन राजा राम मोहन राय जी के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हो गया, विधवाओं का केशवपन कम हो गया, विधवाओं के पुनर्विवाह होने लगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अन्य धर्मों की तुलना में हिंदू धर्म में गति से सामाजिक सुधारणा हुआ, बहुत वेग से। आज वो अन्य धर्मों में नहीं मिलते, लेकिन हिंदू धर्म में यह ज्यादा है। इसका कारण यह है कि पढ़ाई, इसके बाद बहुत सारी बात है, पढ़ाई शिक्षा। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो शिक्षा अंग्रेजों ने दी थी उसका मूल उद्देश्य क्या था? उनकी व्यवस्था चलाने के लिए उन्हें क्लर्कों की जरूरत थी, और ऐसे क्लर्क बनाना शुरू कर दिया, और कुछ प्रभावशाली व्यक्तित्व आ गए इस पद्धति से, जिन्होंने विज्ञान दर्शन इतिहास का सर्वेक्षण किया और भारतीयों के लिए आंदोलनों का सूत्रपात किया। अंग्रेजों की व्यापारी नीति आप जानते हैं, अंग्रेज व्यापार के लिए आए थे और यहाँ के राजकर्ता बन गए, फोड़ा और जोड़ा, फुटडल और राज करो की, उससे इतना उन्होंने फायदा उठाया कि यहाँ का जो कच्चा माल था उस कच्चे माल को निकालने के लिए इतना शोषण किया यहाँ के लोगों का कि इतने दिन वो विद्रोह करके सामने आ गए। ये सारी चीजें हैं। इसके बाद अंग्रेजों की संप्रदायवादी नीति थी, अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों में झगड़ा लगाया, उसकी शुरुआत उन्होंने 1800 में जो फोर्ट विलियम कॉलेज है ना, उसमें संस्कृत प्रचुर हिंदी और उर्दू इन दोनों में झगड़ा लगाया, और यहाँ से हमने फूट पड़ने लगे। फिर बाद में हिंदू और आदिवासी, हिंदू और शूद्र, ऐसे तनावों को बहुत बढ़ाया जो भारतीय लोग आपस में जिन कारणों से टूटे हुए थे, अलग अलग हुए थे, उन कारणों का फायदा उठा करके हमारे समाज में और अधिक ये सारी जो खाई थी उसको और गहरा करने का काम अंग्रेजों ने किया है। अंग्रेज हमारे लिए नहीं आए थे, वो अपने स्वार्थ के लिए आए थे, और अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने सदियों पुरानी, हजारों वर्षों पुरानी संस्कृति में इतने बदलाव किए कि मत पूछिए। और इस नीति ने एक प्रकार की जागृति को जन्म दिया और अनेक सामाजिक संगठन निर्माण हुए, जैसे कि ब्रह्मो समाज, उसके बाद आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ये उत्तर भारत में ज्यादा, और महाराष्ट्र में एक समाज है जिसका नाम है सत्यशोधक समाज, ये सारे यहां निर्माण हुए। और इसमें बहुत सारे लोग आधुनिक में मिल गए, इसमें महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू जी हैं, संत विनोबा भावे हैं, ये सारे लोग। और देखिए कि बहुत सारे लोग पाश्चात्य संस्कृति के बहकाव में आए थे, और उन्होंने उस कारण से अंधविश्वास का विरोध किया, विधवा विवाह शुरू किए, बाल विवाह का विरोध किया, पर्दा प्रथा का विरोध किया, अस्पृश्यता का विरोध किया, वर्णभेद जो था हमारे यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र उसका विरोध किया, और आदि का उन्मूलन हुआ, और हिंदू समाज अन्य समाजों की तुलना में, अन्य धर्मों की तुलना में बहुत प्रगतिशील है। हिंदुओं ने जो चीज छोड़ी तो छोड़ी, अब विधवाओं को जलाया नहीं जाता, अब विधवाओं का केशवपन नहीं होता, अब पुनर्विवाह होते हैं, बाल विवाह लगभग हिंदुओं में खत्म हो चुका है, प्रौढ़ विवाह लगभग खत्म हो चुका है। ये सब कुछ किन लोगों ने किया? ये जो हमारे ब्रह्म समाज के आंदोलन करता थे, आर्य समाज के आंदोलन करता थे, रामकृष्ण मिशन के विवेकानंद थे, इन सभी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। अब एक प्रश्न और चीज आती है कि एक और जो मिशनरी थे, मिशनरी का मतलब क्रिश्चियन का प्रचार करने वाले जो ईसाई मिशनरी थे, उन्होंने
गरीबों की सेवा करने का काम किया, लेकिन उन गरीबों को क्रिश्चियन बनाया। ध्यान रखो, ईसाई मुसलमानों की अपेक्षा बड़े खतरनाक है इस दृष्टि से, क्योंकि मध्ययुगीन मुसलमानों ने एक हाथ में तलवार और एक कुरान ले लिया, कुरान का स्वीकार कर लिया वरना काटेंगे, ये सीधी बात की। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने पहले क्या किया, लोगों की सेवा करने का ढोंग किया, और सेवा करते 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 उन्होंने उन सभी लोगों को जो हिंदू समाज के निचले तबके के लोग थे उनको क्रिश्चियन बनाया, इस में हुआ। और फिर हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने से रोकने का कार्य खास करके आर्य समाज ने बहुत किया है, और आर्य समाज के स्वामी शिवदानंद जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। परसों एक अभिनेत्री का निधन हो गया तबस्सुम नाम की, उनकी माता एक मुसलमान थी, वो हिंदू बन गई, स्वामी शिवदानंद जी ने उन्हें हिंदू बनाया। इसलिए एक पागल अब्दुल रशीद नाम के व्यक्ति ने उनको गोली चलाकर मार डाला। अब ये कि जो लोग हमारे थे हमसे बिछुड़ गए, मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि जिसने पाकिस्तान बनाया बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, उसके दादाजी नागर ब्राह्मण थे। ये चीजें आपके ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जिनको आज हम इस्लाम मानते हैं क्रिश्चियन मानते हैं, एक दो तीन चार पीढ़ी पहले वो सारे हिंदू ही थे, और उनको वापस हिंदू धर्म में लाने का प्रयास इस समय चल रहा था। फिर प्रेस का विकास हुआ, और प्रेस के विकास के साथ अलग अलग पत्र पत्रिकाएं निकलने लगी, गद्य पर पत्र पत्रिकाएं निकलने लगी, और हिंदी साहित्य का एक नया रूप हमारे सामने आ गया, और इससे नवजागरण आ गया। और ध्यान रखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग का नाम है पुनर्जागरण का। पुनर्जागरण, हमें पता चला कि हम कौन थे, क्या है। और ये बार बार मच्छीसन गुप्त जी, जो बाद में द्विवेदी युग के बहुत प्रवीण कवि हैं, उन्होंने भारत भारती का पहली पंक्ति लिखी, हम क्या थे, क्या है और क्या होंगे अभी, आओ विचारे बैठ कर, ये समस्याएं हैं सब। हम थे ना, हमारे पूर्वज मंडल पुष्पम रामचंद्र, योगेश्वर श्री कृष्ण थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, परम प्रताप राणा प्रताप, ये थे। लेकिन आज क्या हो गया, वो हीरे थे, आज हम गारगोटियां भी नहीं रहे। ये विचार करना पड़ेगा कि हमारे पूर्वज इतने महान थे तो हम इतने लहान क्यों, इतने मूर्ख क्यों, इतने संकुच वृत्ति के क्यों, क्या कारण है इसके पीछे। और ये जो चिंतन किया, उस चिंतन को प्रेस के द्वारा जनसमूह की क्रांति हो गई और नवजागरण की चेतना आरंभ हुई। फिर सामाजिक कुप्रथाएं थी हमारे इसमें, जो अंधविश्वास थे खास करके बहुसंख्यक हिंदू धर्म में, और कुकमुंडक वृत्ति थी हमारी, अपने घर में ही सब कुछ मान लेना, घर से बाहर न निकलना, किसी का स्पर्श होने पर 10-10 बार स्नान करना। इससे अलग होकर के इन लोगों ने क्या किया, सांस्कृतिक पुनर्जागरण किया। और इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण में है सबसे महत्वपूर्ण योगदान जिनका है, वो है राजा राममोहन राय। उन्होंने सती प्रथा का निर्धारण किया, पता है आपको, सब पता है, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद देवेंद्रनाथ ठाकुर ब्रह्म समाज के थे, देवेंद्रनाथ ठाकुर रविंद्रनाथ ठाकुर जी के पिताजी। फिर उसके बाद केशव चंद्र सेन, उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विधवा विवाहों का आंदोलन चलाया। और सबसे महत्वपूर्ण नाम है दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ये जो पहले तीन चार लोग हैं वो ब्राह्मण समाज के हैं, ये आर्य समाज के, और विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के। इन लोगों ने हिंदू धर्म में व्याप्त जो कुरीतियां थी, गलत धारणाएं थी, जो सड़ी गली परंपराएं थी, अंधविश्वास थे, मूर्ति पूजा, अवतारवाद इत्यादि जो गलत धारणाएं थी, उन पर बहुत बड़ा काम किया। और इसमें आर्य समाज का कार्य, थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्य, फिर ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि के नाम बहुत महत्वपूर्ण है, जिनमें ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन रॉय ने फ्रेंच और इंग्लिश का अध्ययन किया था, ये अंग्रेजों के नौकर थे, और उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। और दो ग्रंथों का यहाँ उल्लेख करना पड़ेगा, यहाँ उपनिषदों का, लेकिन ये उपनिषदों का कौन से, दो उपनिषद है, एक है श्वेताश्वेतर उपनिषद और दूसरा है कौशिक। इन दो उपनिषदों के आधार पर उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और मूर्ति पूजा को, मूर्ति पूजा जो इस्लाम बिल्कुल नहीं मानता, वो हिंदू धर्म में भी नहीं थी, किस कारण आई क्यों आई उसका अलग है। उन्होंने मूर्ति पूजा को बाह्य आडंबर माना, ढोंग माना, और जाति प्रथा का भी विरोध किया, और सती प्रथा का तो उन्होंने ही कर दिया,
विधवा विवाह शुरू किए और स्त्री पुरुष को समान अधिकार देने का प्रयास ब्राह्म समाज ने किया हुआ है। फिर इसके उपरांत आता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज ब्रह्म समाज की महाराष्ट्र की शाखा के रूप में आ गए और महादेव गोविंद रावण जो बाद में आर्य समाज ही बने वो पहले प्रार्थना समाज थे और स्त्री शिक्षा का उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया और विधवा पुनर्विवाह की भी बात की। उसके उपरांत आता है आर्य समाज का आंदोलन। हालांकि आर्य समाज की स्थापना बाद में हुई लेकिन आर्य समाज का कार्य बहुत पहले शुरू हो चुका था। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में काकड़वाड़ी में 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने की 1875 में और यह एकमात्र ऐसा आंदोलन था जो सिर्फ समाज सुधार पर बल नहीं देता था अपितु स्वाधीनता पर भी बल देता था। एक साथ जिसे आगे चल करके तिलक और आगरकर में मतभेद हुआ। आगरकर कहते थे पहले समाज सुधार होना चाहिए और तिलक कहते थे पहले स्वाधीनता मिलनी चाहिए। इन दोनों की टकराव ने लेकिन आर्य समाज एक ऐसा आंदोलन था जिस आंदोलन ने स्वाधीनता और समाज सुधार दोनों को एक साथ लेकर के चले। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार किया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने सारे ग्रंथ हिंदी में लिखे। इतना ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हरिश्चंद्र ज्ञानेश्वर नाम की पत्रिका चलाते थे उसके सह संपादक के रूप में महर्षि दयानंद सरस्वती थे। इतना बड़ा इनका योगदान है। इसके उपरांत हिंदी को देखिए आर्य समाज के सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कार्य है तो वो है कि अंग्रेजी ढंग के स्कूल स्थापित किए। उसका नाम था दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेजेस और फिर गुरुकुल प्रणाली दोनों साथ साथ चलते थे। फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की। विवेकानंद जब अमेरिका गए अमेरिका जाने के बाद कौन है परिनिर्वाण दिन है आज उसके कार्यक्रम के लिए शुरू कीजिए। हम भी आएंगे आपके सपोर्ट की जरूरत है। अब ये महत्वपूर्ण चीजें देखिए 1828 में ब्राह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशवचंद्र सेन ने की। आर्य समाज की स्थापना 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने की। थियोसॉफिकल सोसाइटी में 1875 में मैडम ब्लेवेट्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने की अडियार मद्रास प्रांत में। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की। इसका मतलब ध्यान रखिए कि उत्तर भारत में जो सामाजिक सुधार हुए इन सब के पीछे इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इन लोगों की बड़ी भूमिका रही है और इस भूमिका के माध्यम से ही जो प्रचार प्रसार हुआ उनके पत्रों में उस समय गद्य साहित्य हमारे सामने बहुत आता है। इस तरीके से अब जो हम पहला काल है ना उसको संक्षिप्त तौर पर देखते हैं। मैं इससे पूर्व एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास में जो चार कालखंड है पहला कालखंड विक्रमी संवत 1050 से लेकर के विक्रमी संवत 1375 ये आदिकाल कहलाता है। विक्रमी संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक का कालखंड भक्ति काल कहलाता है। 1700 विक्रमी संवत से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक का कालखंड रीति काल कहलाता है। इसके उपरांत का जो काल है विक्रमी संवत 1900 से लेकर के आगे का काल ये आधुनिक काल कहलाता है। और आधुनिक काल का पहला चरण जो है वह पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग का है। और उस दृष्टि से मतलब भारतेंदु जी का काम बहुत महत्वपूर्ण है। भारतेंदु जी का जन्म 1850 में हुआ था। कब हुआ था 1850 में। उन्होंने पहली कविता 1857 में लिखी और 1857 का बहुत दूरगामी परिणाम हर क्षेत्र में परिणाम होने वाला यह स्टेशन है। अब यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज है कि 1868 में कवि वचन सुधा नाम की पत्रिका का संपादन भारतीय हरिश्चंद्र ने शुरू किया और 1868 में यहां से भारतीय युग का उदय माना जाना चाहिए लेकिन वो 10 साल पहले माना जाता है। भारतेंदु जी का अधिकतर काल 1868 से लेकर के 1885 तक रहा।
लगभग 18-20 साल का। और इसके बाद सरस्वती के प्रकाशन से द्विवेदी युग आरंभ हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती का प्रकाशन 1903 में शुरू किया। 1902 1900 से पत्रिका शुरू हुई थी, लेकिन 1900 से पत्रिका शुरू हुई थी, इसलिए 1868 से 1900 तक का कालखंड भारतीय युग माना जाना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, लेकिन 1857 माना जाता है। और ये प्रकार से पुनर्जागरण का युग था हर क्षेत्र में, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, साहित्यिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सभी में भारतीय युग में पुनर्जागरण शुरू हुआ था, इसलिए इसे पुनर्जागरण काल भी कहा जा सकता है। और इसमें गद्य विधाएं आई, जैसे कि निबंध, नाटक, आलोचना, ये सारी गद्य विधाएं इसी काल में शुरू हुई। अब यहाँ भारतेंदु युग की व्याप्ति इसमें अधिक जाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें कौन सी महत्वपूर्ण बातें थी? पहली थी राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रवाद बढ़ रहा था और राष्ट्रीयता की भावना के बीच भारतेंदु जी ने कौन कौन से महत्वपूर्ण और उनके काल के कौन कौन से लोगों ने कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे? इसमें विजयिनी विजय वैजयंती भारतेंदु की, चौधरी प्रेमघन की आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व नया समय, राधाकृष्ण दास जो भारतेंदु जी की बहन के पुत्र थे, उन्होंने भारत बारहमासा लिखा, विनय नाम की, और इसमें प्रेमघन ने हार्दिक हर्षावृक्ष नाम के कविता रची, जिसके अंतर्गत उन्होंने भारत में जो शासन प्रक्रिया चल रही है, खराब चल रही है, शोषण हो रहा है, उसके लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दोषी ठहराया है। ये बात आपको बतानी चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने इस देश का बहुत शोषण किया उसकी बात जाएगा। राधाचरण गोस्वामी जी ने हमारो उत्तम भारत देश या राधाकृष्ण का भारत बारहमासा, ये देशभक्ति से उत्पूरक कविताएं लिखी है, जिनने अंग्रेजों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक ये लिखी है पहेली इसकी तरह, अमीर खुसरो की तरह, भीतर भीतर सबर सोचू से हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से, जाहिर बात में अति तेज क्यों सकी साजिद नहीं अंग्रेज। अंग्रेज को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया इस चीज के लिए कि हमारा रस चूस लेना, हमारा शोषण करना वगैरह। उसके उपरांत भारतीय युग में दूसरी चीज आई थी, वो सामाजिक दुर्दशा का चित्रण और सामाजिक चेतना भी निर्माण हुई, एक वो राष्ट्र दूसरी और समाज। फिर उसके उपरांत देखिए देश की इस स्थिति को देख करके रो रहे हैं, रो होंगे सब भारत भाई, आहा भारत दुर्दशा में देखी जाए, उनके नाटक का एक पद है भारतीय नाम का। पहले क्या होता था इस देश में, क्या पहले था, जहां दिन रात सोना बरसता था वहां अब रोटी रूठी रोटी भी नहीं मिल रही है। तन ही लख्यो जहां रक्षो एक दिन कंचन बरसत, तह चौथाई जन रूठी रोटी को तरस, जहां आम की गुठली अरु बिरचत की छाल है, ज्वार चून मह में ही लोग परिवार ही पाले। मतलब आम की गुठली होती है ना अंबेजी को, उसमें की गुठली निकल करके उसकी पाउडर बना करके उसकी रोटी बनाकर खाई जा रही, कुछ भी नहीं मिल रहा था, इतनी गरीबी आए थे केवल अंग्रेजों के कारण। और इसका कारण क्या है, वहां ज्वार नहीं मिल रही है, चना नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, और नॉन तेल लकड़ी मतलब नमक तक नहीं मिल रहा है, तेल नहीं मिल रहा है, लकड़ी तक नहीं मिल रहा है, घास भी नहीं मिल रहा, और सब पर अंग्रेजों ने टैक्स लगाया है, टिकस मतलब टैक्स। यहां से हमारे शोषण की परंपरा। और एक और सामाजिक स्थिति और राष्ट्रवाद दोनों का यहां चित्रण है। फिर उसके बाद में प्रकृति चित्रण, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। फिर श्रृंगारिकता इसमें आ जाती है, हास्य व्यंग्य भी इस काल की कविता की विशेषताएं हैं। और खास करके देखिए यहां महत्वपूर्ण है, चूर्ण लोग साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। चूर्ण होता है पेट के, पेट में अगर कुछ ज्यादा ठीक ठाक महिला ज्यादा खाए तो उसे हजम करने के लिए चूर्ण खाते हैं, ऐसा चूर्ण अगर अंग्रेज खा जाते हैं तो पूरा देश हजम कर जाते हैं, ऐसा व्यंग्य भी उन्होंने किया हुआ है साम्राज्यवादी नीति पर। इनकी भाषा शैली है। और भारतीय युग कवि और कुछ कवि महत्वपूर्ण कवियों की कविताएं हम यहाँ देखेंगे, ये थोड़ा सा हम डालते जाएंगे।
भारतेंदु के कवि थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो कविताएं लिखी है, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, वर्षा विनोद, प्रेम बुलवारी, मधु मुकुल, विनय पचासा, प्रेम पचासा, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी ने ब्रज चंद पंचक, जीर्ण जनपद, आनंद आरोग्य वगैरह वगैरह, प्रताप नारायण मिश्र प्रेम पुष्पांजलि मन की लहर, जगमोहन सिंह प्रेम संपत्ति, लता शर्मा सरोजनी देवयानी वगैरह, तो इस प्रकार के कवि इसमें हुए। अब इसी काल में गद्य की बढ़ाई के लिए पत्रकारिता शुरू हुई और पत्रकारिता में समाचार छप जाना, लेख छप जाना, इस वजह से गद्य का विकास बहुत हुआ। और आपकी जानकारी के लिए कह दें कि भारत में सबसे पहली बार जो पत्र आया, जो वर्तमान पत्र आया, जो 1780 में आया और इसने अंग्रेजी पत्र निकाला, कलकत्ता जनरल एडवाइजर नाम का, इसका बाद में नाम भी गजट पड़ गया था। फिर 1780 से लेकर 1818 तक भारतीय पत्रकारों में अंग्रेज ज्यादा थे और 1818 में भारतीय समाचार पत्र शुरू हो जाते हैं। पहला भारतीय समाचार पत्र 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा बंगाल गजट शुरू हो जाता है, ये साप्ताहिक, लेकिन अंग्रेजी में था। लेकिन हिंदी का सर्वप्रथम जो पत्र निकला है कुंदन मार्तंड, ध्यान रहे ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, जो 30 मई 1826 में कलकत्ता से शुरू हुआ, कुंदन मार्तंड। फिर ये प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, ये सारी चीजें, तो इसमें गद्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के काल में उनके भारतेंदु मंडल के द्वारा चलाए गए जो पत्र थे उसमें कवि वचन सुधा, जगत समाचार, विश्वबंधु, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला गोधनी महिलाओं के लिए, भारतवर्ष, काशी पत्रिका, हिंदी प्रदीप, सार सुधा निधि, आनंद कादम्बिनी, भारतेंदु नाम की पत्रिका, ब्राह्मण नाम की पत्रिका, कान्यकुंज प्रकाश नाम की पत्रिका, भारतोदय नाम की पत्रिका, और इसमें से बाला गोधनी जो है वो नारी शिक्षा, स्त्रियों को पढ़ाने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार उस समय के लिए। फिर तीसरे उत्थान में बहुत सारी चीजें यहाँ मैं टालते जा रहा हूँ कुछ बातें। अब आगे आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का आरंभ कहाँ से है, 1903 से, क्योंकि ये 1903 में, वैसे 1903 में वे सरस्वती के संपादक बने और उन्होंने अपने काल में जितने भी लेखक थे, जितने भी कवि थे, उनकी कविताएं, कहानियां छापना शुरू किया और छापते छापते उन्होंने उसमें जो होने वाली गद्य की गलतियां थी उनको सुधारने का प्रयास किया, इसलिए इस काल को जागरण सुधार काल कहा जाता है। और इसी काल में हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण व्याकरणिक ग्रंथ निर्माण हुआ, हिंदी का व्याकरण, जिसके लेखक थे पंडित कामता प्रसाद गुरु। ये पंडित कामता प्रसाद गुरु और पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने हिंदी में बहुत सारे सुधार किए। और इस काल की विशेषता यह है कि इस काल में, जैसे कि भारतीय युग में कविता की भाषा ब्रजभाषा थी और गद्य की भाषा खड़ी बोली थी, लेकिन इस काल में कविता और गद्य दोनों के लिए खड़ी बोली का इस्तेमाल किया जाने लगा था। तो आज टालते हुए जाएंगे। अब उन्होंने क्या कहा, देखिए कविता का उद्देश्य क्या है, साहित्य का उद्देश्य क्या है, कि केवल मनोरंजन ही नहीं कर्म होना चाहिए बल्कि उसके उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, ऐसा मैथिलीशरण गुप्त जी ने द्विवेदी जी के शिष्य थे उन्होंने लिखा है। और इस काल के दो प्रसिद्ध कवि हैं, मैथिलीशरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। सरस्वती की बात बार बार यहां आ रही है। अब देखिए द्विवेदी युग की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, चाहे वो गद्य की हो या पद्य की हो, देश प्रेम की भावना, जैसे हमने कहा था हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी और बेचारे बैठकर, ये समस्याएं सभी, ये वैशिष्ण गुप्त जी की भारतीय भारती की पहली नौकरी है। फिर देशभक्त वीरों मरने से नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पे करना होगा। अब इसके इतना है, वो आगे कहते हैं कि जिसको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं मेरा पशु और मित्र के समान है, इस प्रकार में उन्होंने लिखी बातें थी। फिर सामाजिक समस्याओं का चित्रण भी उन्होंने किया है इस काल के कवियों ने। इसमें देखिए कि दहेज प्रथा, नारी उत्पीड़न, छुआछूत, बाल विवाह, इन सभी को उन्होंने स्थान दिया था। और स्त्री के लिए देखिए ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, इसका मराठी अनुवाद बहुत प्रसिद्ध हुआ है, अबला जीवन हाल के लिए तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखी उपाय, इसका मराठी अनुवाद क्या पता है, स्त्री जन्मा ही तुझी कहानी,
काशी दूधा नहीं नहीं पानी इसी का अनुवाद किया मराठी में। उसमें यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी, साकेत लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी, स्त्रियों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। फिर अध्यक्ष उपाध्याय हरि औध का वैदेह वनवास और प्रिय प्रवास, इसमें सीता और राधा का महत्व। फिर नैतिकता और आदर्शवाद, इस जमाने में देखिए श्रृंगार की जगह नैतिकता का ज्यादा प्रयोग हुआ। इतिवृत्तात्मकता आई, सभी प्रकार के काव्य रूपों का प्रयोग हुआ, भाषा में परिवर्तन हुआ, छंद में विविधता आई। इसके जो प्रधान कवि हैं आयुष उपाध्याय हरि औध, इन्होंने कुछ नाटक लिखे, उपन्यास लिखे, इन्होंने गद्य में ठेठ हिंदी का टाटा के खिलाफ प्रद्युम्न विजय रुक्मिणी परिणय और काव्य की कृतियां जो हैं कि प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुभते चौपदे, चौके चौपदे, वैदेही वनवास, प्रेम प्रपंच, प्रेम पुष्पहत वगैरह वगैरह। और प्रिय प्रवास की विशेषता यह कि उन्होंने श्री कृष्ण और राधा को प्रेमी प्रियकर के रूप में नहीं, अपितु उन्होंने प्रियकर प्रेयस की जगह उन्होंने समाज सुधारक और समाज सेवक रूप में ज्यादा श्री कृष्ण और राधा का चित्रण किया है। ये पहला खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, ध्यान रखिए। प्रश्न आ सकता है आपकी परीक्षा में कि हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है, तो वहां आपको ये प्रिय प्रवास उत्तर लिखना पड़ेगा। इसमें देखिए 17 सर्ग है, कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए महाकाव्य में, इन्होंने 17 खंड लिखे हुए हैं, सर्ग लिखे हुए हैं। फिर प्रिय प्रवास में सबसे महत्वपूर्ण चीज, उन्होंने दो छंदों का, संस्कृत के छंदों का उपयोग किया, एक है मंदा क्रांता और दूसरा वसंत तिलका, इन दो छंदों का प्रयोग किया। इसके बाद देखिए यह उदाहरण है, दिवस का अवसान समीप था, जगत गगन था, कुछ लोहित हो चला, तरुषिका पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। ये वसंत तिलका छंद का है। कुछ पद, एक और पद मैं लेना चाहूंगा आगे, अब मैथिलीचरण गुप्त जो दूसरे इस प्रकार के प्रधान कवि हैं, ये महावीर प्रसाद मेहरी जी के शिष्य थे, उन्होंने जो नाटक लिखे हैं उनमें तिलोत्तमा, चंद्रहस्तान ये गद्य है, और पद्य में रंग में भंग, जयद्रथ, भारत भारती, किसान, शकुंतला, पंचवटी, हिंदू, शक्ति, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, यशोधरा, सिद्धराज, द्वापर, महुष, काबा और करबला, ये मुस्लिम पर है, कुणाल गीत और गुरुकुल उनका गुरु गोविंद सिंह जी पर आधारित है सिख धर्म पर, और उन्होंने विष्णुप्रिया वगैरह लिखे हैं, अनुवादित भी साहित्य में लिखा, क्लासिकल युद्ध, मेघनाथ वंदोवृत्त सहाय, बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक कवि के रूप में इनका समावेश होता है। अब इन्होंने जो भारत भारती उसमें तीन खंड किए हैं, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड, और यही बात उन्होंने कही है। पहले हम क्या थे, अब क्या हो गए, आगे भी चलिए। अब जो देखिए, पहला जो भारतीय युग था उसका नाम पुनर्जागरण काल है, दूसरा द्विवेदी युग है उसका नाम जागरण सुधार काल है, अब इसके बाद तीसरा आता है वह काल है हमारा छायावादी काल, जिसके 6 प्रधान कवि हैं, 8 कवि हैं, 6 कवि हैं, जिनमें से 3 बृहद त्रयी के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला सूत्रबद्ध आते हैं, और जो अगले कवि हैं उनमें लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, उसके उपरांत माखनलाल चतुर्वेदी जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी ये एक नाम है, और तीसरा नाम आता है आरसी प्रसाद सिंह। तो यहाँ एक कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, देशभक्तिपूर्ण कविता, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को लल जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर ही हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवताओं के सिर पर छोड़ भाग भेट लाऊं, मुझे तो मेरी नावन मानी उस पथ पर तुम भी ना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जागे वीर अनेक। ये महत्वपूर्ण कवि है। अब जिस बात को हम आपके सम्मुख रखना चाहते हैं वो ये बहुत सारी कविताएं हैं, उस काल के कवि, महत्वपूर्ण कवि, राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी, सिया रामचंद्र गुप्त, बालकृष्ण शर्मा, नवीन सुभद्रा कुमारी चौहान जी की झांसी की रानी बहुत महत्वपूर्ण कविता रही, लेकिन हम छायावाद की ओर जाएंगे। छायावाद
1918 से लेकर के 1936 तक का, इसमें जयशंकर प्रसाद इसकी शुरुआत करने वाले हैं। इनकी कृति झरना, निराला जी की कविता जुड़ी थी कवि, और 1936 में प्रसाद की अंतिम रचना कामायनी समाप्त हो जाती है और फिर उसके बाद प्रगति प्रयोगवादी युग शुरू हो जाता है। अब देखिए छायावादी युग की क्या महत्वपूर्ण बात है। छायावादी युग की कविता में स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता है, रहस्यवादी वृत्ति इसमें आई, प्रेम प्रकृति का सौंदर्य और सौंदर्य का चित्रण किया है, नारी के सौंदर्य का चित्रण किया है। छायावाद में स्वानुभूति महत्वपूर्ण है और छायावादी कविता इंग्लिश के एक रोमांटिसिज्म नाम का जो आंदोलन चला था विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज के नेतृत्व में, उसका और उसका ज्यादा प्रभाव रविंद्र टैगोर पर पड़ा, रविंद्र टैगोर का प्रभाव इन पर आया। इसमें सांस्कृतिक चेतना मानवतावादी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है और ये विशेषता है इसकी, आत्मा की अभिव्यक्ति, आत्माभिव्यक्ति, फिर उसके उपरांत सौंदर्य चित्रण, खासकर के नारी के सौंदर्य का चित्रण करते हैं। प्रसाद जी अपनी कामायनी के श्रद्धा सर में लिखते हैं, नील परिधान बीज सुकुमार खुल रहा था मधुर अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघमन बीज गुलाबी रंग। इस प्रकार से सौंदर्य नारी का उदात्त चित्रण, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत में तो गतल में पीयूष स्रोत से बाहर करो जीवन के सुंदर समतल में। और मैं बार बार कहता हूँ, ध्यान रखिए, मैंने अनेक बार आपसे कहा होगा कि भक्ति काल यह हिंदी कविता का स्वर्ण युग है, लेकिन छायावादी कविता यह हिंदी कविता का हीरक युग है। इतनी अच्छी कविताएं इस काल में लिखी है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि प्रकृति का चित्रण, खास करके सुमित्रा दिनपंत जी, छोड़ ध्रुवों के बदो चाहे थोड़े प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाले जाल में कैसे अटका दूंगे रुचि भूमि स्थान से इस जगति को, ये प्रकृति का भी उन्होंने चित्रण किया हुआ है। फिर उसके बाद दुख और वेदना की अभिव्यक्ति इसमें ज्यादा है, खास करके महादेव वर्मा की कविता है, मैं दूर निरभरी दुख की बगी विस्तृत नव का कोई कोना मेरा ना कभी अपना होना परिचय इतना इतिहास ही कल उमड़ी कल थी आज मिट चली, प्रसाद जी का आंसू काव्य इसी प्रकार का है। फिर यह रहस्यवाद है, मतलब ईश्वर के एक अलग रूप को रहस्य के रूप में स्वीकार किया है। फिर कल्पनाशीलता इस काल की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। छायावादी कविता में जो शिल्प की विशेषताएं हैं उनमें लाक्षणिक शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है, बीती विभावरी जागरी अंबरपण घट में भी बोले तारा घट उषा नागरी, विभावरी का मतलब है रात, रात को भी संबोधित कैसे कैसे लिखा हुआ है, बिंब है जैसे बिंब झमझम झमझम शब्द बिंब है, झमझम झमझम मेघ बरसते रे सावन के छम 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 गिरती बूंदे तरुण से छिन, प्रतीक योजना भी इसमें है और प्रमुख कवि है इसके जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म 1889 को हुआ था, मृत्यु 1937 को। और इन्होंने जो रचनाएं की उनमें कामायनी ये हिंदी का सर्वश्रेष्ठ काव्य है, रामचरितमानस से भी श्रेष्ठ है। इसमें मनु कामायनी या श्रद्धा और इड़ा इनकी कहानी है और अंत में जाकर के इसका पहला सर्ग चिंता है और अंतिम सर्ग आनंद है, चिंता से आनंद की ओर, बहुत महत्वपूर्ण है। आंसू झरना लहर और कामायनी, ये आंसू कविता छोटे से हम ये इतना डिटेल में आपको जरूरत नहीं, केवल परिचय आपको जरूरी है। कामायनी श्रद्धा कामायनी इड़ा सर्ग कामायनी कामायनी इसके बाद आते हैं दूसरे कवि, एक एक कवि को बोलेंगे। निराला, निराला जी का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म 1899 में हुआ था, मृत्यु 1969 में हुई थी। और इन्होंने अपनी पत्नी से सीखा, ब्राह्मण होकर भी अनपढ़ थे, पत्नी ने इन्हें सिखाया और आगे चल करके उन्होंने बादल राग मन बेला तुलती पत्थर भिक्षु जैसी कविताएं लिखी, कुछ प्रगतिशील कविताएं हैं इनकी, लेकिन इनकी महत्वपूर्ण कविता है जुड़ी की कड़ी। इस कविता को महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी ने सरस्वती में छापने से इनकार कर दिया था क्योंकि श्रृंगारी कविता थी। ये भी महत्वपूर्ण कवि है। अभी जुड़ी की कवि की जैसे विजन वन वल नरी परसोती थी सुहाग भरी, संस्कृत प्रचुर भाषा है।
केवल अब दो कवि रह गए हैं, उनको लेकर के आज हम समाप्त करेंगे। मैंने दर्शन कैसे लिखे थे समाप्त थोड़े से तो उसके बाद के कवि आ जाते हैं। एक कविता है सरोज स्मृति, जो उन्होंने अपनी बेटी सरोज की मृत्यु पर लिखी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और कविता है राम की शक्ति पूजा। तीसरे कवि आते हैं श्री रामधन पंत जी की एक कविता हमने आपके सम्मुख रखी थी, थोड़े दिनों से मृदु माया थोड़ा प्रकृति से भी माया बारे तेरे बाल जाने कैसे अटका लेंगे लक्ष्मी गुरु साहब इसी जग को। इस प्रकार से छायावाद के प्रमुख प्रमुख कवि आते हैं और छायावाद पर सबसे ज्यादा प्रभाव मैंने अभी कहा था कि अंग्रेज के रोमांटिसिज्म आंदोलन का था, जिसकी शुरुआत विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज ने की थी और सुमित्रानंदन पंत के पल्लव की भूमिका में, जिस प्रकार से एस टी कॉलरिज की कविता ने उसको रोमांटिसिज्म का घोषणा पत्र कहा जाता है, वैसे ही पल्लव इस कविता की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। फिर ये अंत में आते हैं महादेव वर्मा जी, और महादेव वर्मा जी ने खुद को बौद्ध दर्शन से जोड़ करके देखा था, दुख के दर्शन से जोड़ कर रखा था, ये भी महत्वपूर्ण बात है हमने आपके सम्मुख रखी। एक मिनट एक बात महत्वपूर्ण और है, वो यह है कि सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत पठानियाला इन दोनों ने छायावादी रचनाएं भी की और प्रगतिवादी रचनाएं भी की। महादेव वर्मा ने की, महादेव वर्मा ने यामा इस सुमित्रानंदन पंत जी को हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, उसके बाद महादेव वर्मा को एक मिला है, महादेव वर्मा के यामा पर मिला है उन्हें, और उनकी इस प्रकार की कविता है, मैं मेरे बड़ी दुख की बदली स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते पलकों में निर्जरी मछली वगैरह। बहुत ही महत्वपूर्ण कवि। तो ये हुए छायावाद के कवि। हम कल की तासिका में हिंदी गद्य की ओर जाएंगे, ठीक है, जो हमारा पीछे भाग रहा है। आज के दिन इतना काफी है और ये वीडियो आपको आज शाम तक मिल जाएगा, कोई कठिनाई नहीं। और ये सरसरी तौर पर अध्ययन करना है, इसका डिटेल में हम बाद में करेंगे। और हमारी जो परीक्षा होने वाली है ना सेतु पाठ्यक्रम की, इसमें केवल वस्तुनिष्ठ बातें आने वाली हैं, इसलिए जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको ठीक ढंग से उस वीडियो को बार बार देखते रहें, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए सभी मित्रों और छात्रों का हार्दिक धन्यवाद। कृपया करके इस हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। यदि आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी टिप्पणी लिखिए। यदि आपको सचमुच पसंद आ गया हो यह वीडियो तो अन्य मित्रों और छात्रों को अग्रेषित कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। और इसी प्रकार के वीडियो आप और अन्य भी देखना चाहते हैं तो कृपया हमारा यह जय हिंदी जय नगरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए केवल इस बेल आइकॉन को, घंटी को स्पर्श करना होगा और आप इस चैनल के सदस्य बन जाएंगे और इसी प्रकार के अनेक वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। फिर से एक बार धन्यवाद। जय हिंदी जय नागरी।